ओके इसमें i5 के 11400F B560 मदरबोर्ड है, 16GB रैम एंड 1TB हार्ड डिस्क, 250GB स्टोरेज, 35,000 का ये बिल्ड है, पूरा एकदम ब्रांड न्यू बिल्ड विद 3 इयर्स गारंटी ऑफिशियल कंपनी से, लाइक जिस सिस्टम पे 3 साल, जिस कंपोनेंट पे 3 साल उस पर 3 साल, रैम पर लाइक 10 इयर्स है, पीएससी पे 5 इयर्स है, तो पूरी आपको ऑफिशियल वारंटी मिलेगी। रिफर्बिश सिस्टम लेते हैं तो आपको 1 मंथ का बायबैक गारंटी टाइम मिलेगा कि जैसे अगर आपको सिस्टम पसंद नहीं आता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, 1 महीने तक कोई भी पेमेंट कट नहीं होगी, आप पूरा पेमेंट अपना रिफंड ले सकते हैं, चाहे आप नया सिस्टम बना सकते हैं। 12900K बिल्ड की तरफ जरूरी नहीं कि देखिए सेकंड हैंड हो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती सेकंड हैंड में, दिस इज अ 1200K सिस्टम, ये भी अपने पास सेकंड हैंड में अवेलेबल है, तो 1200K है, Z690 का मदरबोर्ड है, एक्सट्रीम T-Force की ग्राफिक कार्ड पे COD हमने स्टार्ट कर दी है अब से, जैसे पहले हम COD नहीं कर रहे थे लेकिन अब से हम COD स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक कार्ड्स पे, 10% एडवांस लेके आपको COD हो जाएगा, ग्राफिक कार्ड आपको कोई सा कहीं भी मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, एक बार फिर से मैं आपको लेकर आई हूँ नेहरू प्लेस में और हम कवर कर रहे हैं सूरज टेक्नोलॉजीज। गाइस जैसा आप सबको पता है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के आपको कंप्यूटर्स मिल जाएंगे, पीसीज मिल जाएंगे, जिस टाइप का आप बनवाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, कोई एसेसरीज चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाएगी और वो भी काफी अच्छे प्राइस में, तो बने रहिएगा एंड तक, सारी वैरायटीज दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ बताएंगे कि प्राइसेस में क्या क्या अपडेट हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सूरज टेक्नोलॉजीज, आज आपके लिए लेके आए एकदम जो लेटेस्ट टॉपिक्स पे वीडियो, लाइक क्या ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग चल रही है, अब क्या क्या कॉम्पोनेंट्स के क्या रेट हो गए हैं, किस तरह के प्रीबिल्ड अभी अवेलेबल अपने पास, तो हर चीज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ग्राफिक कार्ड की प्राइसिंग सबसे ज्यादा डाउन आ चुकी है, लाइक जो प्राइसिंग पहले 2016-17 में थी वही प्राइसिंग ग्राफिक कार्ड्स के वापस आ चुके हैं, तो बेस्ट टाइम है पीसी बिल्ड के लिए, लाइक के अगर आप देखें नए कार्ड सीरीज के 30 सीरीज के कार्ड, 3060 की अगर बात करें तो 6 महीने पहले तो 3060 50-60 हज़ार रुपये का था, अभी वही 3060 आपका 30-32 हज़ार में नया हो चुका है। सेकेंड हैंड कार्ड्स की बात करें, स्टार्टिंग से बेसिक मॉडल से बात करते हैं एकदम, लाइक 1050 Ti अब भी थोड़ा सा महंगा है 8-9 हज़ार का, क्योंकि उसका नए का प्राइसिंग भी ऊपर ही है अभी, बट हाँ बड़े कार्ड छोड़ सस्ते हो गए हैं, तो 1050 Ti भी 8-9 से 9 के बीच मान के चलिए। 1060 6GB अगर देखें तो 10-12 हज़ार रुपये में मिल जा रहा है, 3GB भी 10 इतने का ही है। हाँ तो 1070-1080 की अगर बात करें तो 1070 का प्राइस हो गया है 12 से लेकर 15 हज़ार रुपये, 1080 का प्राइस हो गया है 15 से 18 के बीच में, 1080 Ti 20 के आसपास का चल रहा है। अगर 20 सीरीज की बात करें, 1660 वाली सीरीज की बात करें तो 1660 6GB जो नॉर्मल 1660 है वो आपका है 14-15 के आसपास, और 1660 सुपर जो है वो आपका है 17-18 के आसपास, नया भी इनफैक्ट 1660 सुपर जो 22 से 23 हज़ार रुपये का ही हो चुका है। तो सेकंड हैंड में भी ये है कि भाई जिसकी वारंटी थोड़ी ज़्यादा है वो कार्ड थोड़ा सा महंगा मिलेगा, जिसकी वारंटी कम है वो सस्ता मिल जाएगा। 30 सीरीज की बात करें, 3060 सेकंड हैंड में हो चुका है 22 से लेकर 25 हज़ार के बीच में, और 3060 नया आपको बता दिया मैंने 30-32, 3060 Ti अगर बात करें सेकंड हैंड में तो 34 से लेकर 36 हज़ार, और नए का रेट हो चुका है 40-41। 3070-3080 की बात करें तो अवेलेबिलिटी पे जैसे 3080 है कभी 50 में मिल जाता है, 55 में मिल जाता है सेकंड हैंड, नया स्टिल 67-70-72 डिपेंड ऑन डिफरेंट मॉडल्स। अब आपको दिखाते हैं कि प्रीबिल्ड सिस्टम कहाँ से अपने पास स्टार्ट होते हैं, तो बेसिक अपना जो सबसे बेसिक सिस्टम होता है वो इस तरह का या फिर इस तरह के कैबिनेट में आप ले सकते हैं, i3 3rd जनरेशन 4GB रैम 5GB हार्ड डिस्क के साथ, जो कि आपको सिर्फ 8,085 में मिल जाएगा। ये एक प्रीबिल्ड है, लाइक ये एक i5 4th जनरेशन की मशीन है, 11,000 रुपये का सिस्टम है पूरा, जिसमें 8GB की रैम, 512GB SSD, 1 महीने की वारंटी में 11,000 का है एंड 1 ईयर की वारंटी में 13,000 रुपये का है। एक सिस्टम ये है बेसिक हमारे पास, राइजन में भी सेकंड हैंड बेसिक सिस्टम अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक राइजन का 5 का 1400 है ये पूरा सिस्टम, 16,500 में कोई से भी ग्राफिक कार्ड ऐड करिए अपने नीड के हिसाब से एंड ये एक अच्छा खासा गेमिंग पीसी बन जाएगा। थोड़े से अब आपको हाई एंड सिस्टम की तरफ लेके चलते हैं, लाइक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये एक 8700K का सिस्टम है 36,000 रुपये में, ये वाला इसमें 16GB की रैम है, 1TB हार्ड डिस्क, 650 PSI। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए सेकंड हैंड सिस्टम जो आपसे मैं आपको दिखाया 8700K वाला, ये थोड़ा सा ओल्ड जनरेशन है तो इस पे 1 ईयर की गारंटी है, ये 36,000 का सिस्टम है, इसमें आप अपने हिसाब से ग्राफिक कार्ड ऐड कर लीजिए। जैसे अभी इस सिस्टम में भी सिर्फ बोर्ड और प्रोसेसर ही सेकंड हैंड है, बाकी सारी चीज़ें ब्रांड न्यू है, सब पे 3 इयर्स की या 5 इयर्स की वारंटी जो भी आती है वो है। ये सिस्टम देखें तो ये वैसे कहने को रिफर्बिश है, बट ये एक ब्रांड न्यू सिस्टम है, इसमें i5 के 11th लगा हुआ है, 11th और हर चीज़ पे 3 साल की वारंटी है। इस सिस्टम का कोटेशन मैं आपको दिखाऊंगा, इस सिस्टम के अगर आपको कोटेशन दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें i5 के 11400F B560 मदरबोर्ड है, 16GB रैम एंड 1TB हार्ड डिस्क, 250GB स्टोरेज, 35,000 का ये बिल्ड है, पूरा एकदम ब्रांड न्यू बिल्ड विद 3 इयर्स गारंटी ऑफिशियल कंपनी से, लाइक जिस सिस्टम पे 3 साल, जिस कंपोनेंट पे 3 साल उस पर 3 साल, रैम पर लाइक 10 इयर्स है, पीएससी पे 5 इयर्स है, तो पूरी आपको ऑफिशियल वारंटी मिलेगी। बिल्ड लाइक अगर एकदम ब्रांड न्यू इसको भी कराते तो आपको ये 43-45 तक पड़ेगा, तो सिर्फ ओपन बॉक्स होने की वजह से आपको 10,000-9,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा सिस्टम, विद कंप्लीट टोटल ऑफिशियल वारंटी जितनी भी एक नए सिस्टम पे आती है।
इसके बाद अपने पास है ये i9 का सेकेंड हैंड सिस्टम, इसकी स्पेसिफिकेशन ये रही, ये एक 50,000 का सिस्टम है, थोड़ा सा हाई एंड है, एक अच्छा लाइक 2060 2070 कार्ड या 2080 लगाई और एक बढ़िया अच्छी खासी गेमिंग रेंडरिंग एडिटिंग सब कुछ करा देगा। लेट्स मूव ऑन करते हैं एक राइजन के सिस्टम की तरफ। ये एक राइजन 7 3700X का प्रीबिल्ड है विच इज इन 40,000, जिसमें कि आप देख सकते हैं कैबिनेट प्रॉपर ARGB कैबिनेट है, MSI का X570 मदरबोर्ड है, 16GB 32MHz की रैम है, 40,000 सेम। इसमें भी अपना एक ग्राफिक कार्ड ऐड कराइए एंड ये एक प्रॉपर गेमिंग रेंडरिंग एडिटिंग मशीन बन जाएगी। एक ये है i9, ये है एक i9 का वर्क स्टेशन मशीन, अपने पास लाइक सेकंड हैंड में वर्क स्टेशन भी मिल जाते हैं। तो इसमें i9 का 9820X लगा है, Asus का WS219 प्रो वर्क स्टेशन का मदरबोर्ड है और ये अप टू 256GB तक की रैम सपोर्ट करता है। तो अगर किसी को लाइक वर्चुअलाइजेशन के लिए चाहिए, VMware बनाने के लिए कुछ चाहिए या फिर सर्वर बनाने के लिए चाहिए, तो ये बढ़िया सिस्टम है। लाइक 55,000 में ग्राफिक कार्ड अपने नीड के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मशीन बन जाएगा। अगर इसके नए की बात करें तो ये लाख से सवा लाख का सिस्टम है जो कि आपको सेकंड हैंड में सिर्फ आधे रेट में मिल जाएगा। सेम अगर इस पे जाएं तो ये 5900X का सिस्टम है विद X570 मदरबोर्ड। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो ये रही इसकी स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग। इसमें भी 3 ईयर की कंप्लीट वारंटी है, सिर्फ सामान खुला हुआ है बट हाँ एकदम ब्रांड न्यू सामान है और सिर्फ सेकंड हैंड मतलब खुला होने की वजह से ही आपको ये 15 से 20,000 रुपये सस्ता मिल जाएगा। अब चलते हैं एक i9 12900K के बिल्ड की तरफ। जरूरी नहीं है कि देखिए सेकंड हैंड हो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल सकती सेकंड हैंड में। दिस इज अ 1200K सिस्टम, ये भी अपने पास सेकंड हैंड में अवेलेबल है। तो 12900K है, Z690 का मदरबोर्ड है, एक्सट्रीम T4s की रैम है इसमें, 3600MHz लिक्विड कूलिंग है, प्रॉपर एक ARGB सेटअप है। इस सिस्टम की कॉस्ट है 1,00,000 रुपीज। अगर यही सिस्टम अगर हम एकदम ब्रांड न्यू बनाना चाहें तो ये आपको 1,30,000 में बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ सामान लाइक एक महीना, इसमें जो सामान है वो एक महीना ओल्ड है, तो एक महीने वारंटी सिर्फ इसमें कम है एंड आपको 30,000 रुपये आपके सेव हो जाएंगे। तो इस तरह के कई सारे पीसी बिल्ड्स अपने होते रहते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि आज जो अवेलेबल है वो हमेशा रहें, कुछ बिक भी सकते हैं। इसी टाइप के बहुत सारे गेमिंग सिस्टम कम रेट पे देखने के लिए अपडेटेड रही हमारे चैनल पे। एंड जैसे हमसे अगर आप कोई रिफर्बिश सिस्टम लेते हैं तो आपको 1 मंथ का बायबैक गारंटी टाइम मिलेगा कि जैसे अगर आपको सिस्टम पसंद नहीं आता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। एक महीने तक कोई भी पेमेंट कट नहीं होगी, आप पूरा पेमेंट अपना रिफंड ले सकते हैं, चाहे आप नया सिस्टम बना सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आप दिल्ली के बाहर रहते हैं और आप शिपिंग करवाते हैं और कुछ भी टूट जाता है तो उस चीज़ की भी गारंटी हमारी, आपको पूरा नया सिस्टम मिलेगा। अगर कुछ भी रास्ते में शिपिंग में डैमेज हो जाता है तो अगर ग्राफिक कार्ड्स या कंपोनेंट अगर आपको लेने तो वो भी ले सकते हैं। ग्राफिक कार्ड पे COD हमने स्टार्ट कर दी है अब से, जैसे पहले हम COD नहीं कर रहे थे लेकिन अब से हम COD स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राफिक कार्ड्स पे 10% एडवांस लेके आपको COD हो जाएगा। ग्राफिक कार्ड आपको कोई से कहीं भी मंगवाना आपको। सो थैंक्स अ लॉट, कीप अपडेटेड ऑन दिस वीडियो।